कलयुग में इंसान नीचे गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है और उसके लिए उसे किसी बड़े मकसद या इच्छा पूर्ति की जरूरत नहीं है और इसी वजह से जुर्म आज के इंसान पर बहुत आसानी से हावी होता जा रहा है। लगभग 6 महीने पहले मेरी पोस्टिंग बिहार के मांझी गांव में थी। उस समय मेरे पास एक अजीबोगरीब केस आया जो देखने में तो बहुत आसान लग रहा था पर सॉल्व करने में बहुत ही मुश्किल था। इस केस को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि कत्ल का मोटिव तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था पर उसका तरीका बहुत ही हैरान कर देने वाला था। आनंद, हम तुमको कह रहे हैं, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। रमा, हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई मजाक बात थोड़ी है। तुम्हारे बाबूजी को समझना पड़ेगा ये। मेरे घर वाले सच में कभी नहीं मानेंगे। हम समझाएंगे तुम्हारे पापा को, देखना वो मान जाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अंकल मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज मत मारो आनंद को। रमा पापा, मैं और आनंद बहुत प्यार करते हैं। प्यार का भूत उतारे तो घर चल पाए। चूते का औकात का नहीं है, उसके बेटे ने ब्याह करेगी, अपना मर्जी चलेगी, जान मार देगी तुम्हारी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे ये जो की तो की, आप भी कोनो अच्छा नहीं कर रहे, आप भी तो गलती कर रहे हैं ना। अरे जवान बिटिया को बड़े बाजार में बेइज्जत करते हुए खींचते हुए घर से ला रहे। अरे गलती हो गई कि घसीट कर लेकर आए, मार कर लाना चाहिए था, अक्कल ठिकाने आती है। काबे हमारा लौंडा होके पिट के आए, शर्म नहीं आए तुमको? हैं इसको दावा पोत रही हो तुम? जंग जीत के नहीं आया तुम्हारा लाल, पिट के आया लौंडिया चकल्लस में, वो भी उसके बाप से। साला खुद का इज्जत तो है नहीं, हमारे इज्जत पे मुंह दिए। अबे मेमना बने का बे जाओ, तुमसे बतिया रहे हैं, कहे नहीं ये खींच के दू जा पड़ू सिरा को। बाबू जी हम उनको कैसे मारते, हम रमा से इतना प्यार करते हैं तो उनके पापा पे कैसे हाथ उठाते हैं? कैसे प्यार का भूत हम उतार के रहेंगे? चल क्या कर रहे हैं? खबरदार जो दरवाजा खोला तो, अब ये दरवाजा तब खोलेगा जब इसका ब्याह होगा। बराबर का लड़का देखकर दो चार दिन में इस मुसीबत को यहाँ से चलता कर देंगे। आनंद ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आनंद हमको बहुत चाहता है। आनंद हमारा ब्याह किसी और से होने नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। देखा? पीछे ही आप लोग जाओ, आसपास चेक करो कुछ मिलता है क्या। सर ये बॉडी सबसे पहले किसने देखा था? हमने सर, सुबह को यहाँ से हम जा रहे थे तो देखे लड़की का लाश पड़ा हुआ है। कहाँ रहे तो? यही बगल के गांव में। सर देख के तो लगता है लड़की 20 या 25 साल की होगी, पीठ पे और सर पे चोट के निशान भी है। सर आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, ना पर्स और ना ही कोई मोबाइल। मतलब कातिल यही चाहता था। अरे जी तो पलटो। पीठ पे 3 घाव है और सर पे भी चोट का निशान है और आसपास खून की एक बूंद भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे कहीं और मारा गया है, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ फेंक दिया गया है। संगीता जरा चेक करो इसके कुर्ते पे कोई टेलर का टैग है क्या? हाँ सर है। यादव जी इस टेलर का पता लगाओ और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इस लड़की की डिटेल्स भेजो कि 24-25 साल की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है क्या। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर लड़की के कुर्ते पे जिस टेलर का टैग था उस टेलर की दुकान मांझी मार्केट में ही है। टेलर ने लड़की और कुर्ता दोनों की पहचान की है।
लड़की का नाम था रमा सिन्हा। लड़की रेगुलर कस्टमर थी, इसीलिए टेलर की रिकॉर्ड बुक से हमें उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस मिला था। जब हमने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। फिर हम उस एड्रेस पे पहुंचे, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था सर। आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से वो लोग वहाँ दिखे नहीं, गाड़ी भी नहीं है, शायद बाहर कहीं गई है सर। जब पूरी फैमिली बाहर गई थी तो रमा उनके साथ क्यों नहीं गई? हो सकता है वो अपने ससुराल में हो। सर उसकी तो शादी नहीं हुई थी, ससुराल में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं यादव जी, ये देखिए रमा की मांग में सिंदूर। लेकिन सर आस पड़ोस में पूछताछ करके हमें पता चला था कि शादी हुई नहीं थी। यादव जी शादी तो हुई थी, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि वो शादीशुदा है, और शायद यही उसकी मौत का भी कारण हो। यादव जी ये रमा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशंस निकालिए, और इस सिन्हा फैमिली की जितनी हो सके उतनी डिटेल्स निकालो। हम तो रमा को बहुत सीधी सादी मानते थे। अरे सीधी सादी स्कूल टीचर थी, पर ये सुना था कि कोई आनंद मिश्रा के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है, और थोड़े दिनों पहले ये भी सुना था कि दोनों परिवारों में घमासान हुआ था। सुना था लाठी तलवार भी भाजी गई थी, वो भी बीज बाजार में। सर हमको रमा की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, हम तो इतना बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी और मेहनती टीचर है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बस अपने काम से काम रखने वाली। अब आदमी के जाने के बाद साहब का बुरा बोले, लेकिन रमा के कारण अभिजीत बाबू थोड़ा परेशान रहते थे। दो दिन हो गए साहब उनका कुछ पता ही नहीं कहाँ चले गए। उनका फोन लगाओ तो ना उनका फोन लगता है ना उनके बेटे का फोन लगता है। माल आया पड़ा है साहब, पेमेंट करनी है साहब, दो दिन से बहुत परेशान है, कहाँ गए कुछ मालूम ही नहीं है। सर मैंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी नहीं पता सिन्हा फैमिली कहाँ है, और उनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर यादव जी ये अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, तब तक इस आनंद से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। साहब आनंद का शादी रमा से हुआ, उसके बाद रमा अपनी अम्मा घर गई आशीर्वाद लेने। एक बार को हम अपनी अम्मा से मिलना चाहते हैं। फिर लौटी नहीं साहब, आप ही सोचिए साहब हमारे बिटुआ पे का गुजरी होगी। अरे बौरा गया है साहब एकदम, वो अपने बेटे को बुलाइए, उससे बात करनी है हमें। अरे क्या बात करिएगा साहब, उससे होश ही नहीं है उसको, दिन रात रमा के घर के चक्कर लगाता रहता है। कह रहा था कि उसके परिवार वाले रमा को जबरदस्ती ले गए हैं और दूसरा ब्याह कर देंगे उसका। ये पॉसिबल नहीं है, रमा का मर्डर हो गया है। मर्डर? अरे कहा होगा हमारे बिटुआ, लेकिन कौन मर्डर किया साहब उसका? फिलहाल तो हमें नहीं पता, हो सकता है आपके बेटे आनंद ने किया हो, बुलाओ उसे। अरे साहब बुलाएंगे तो तब ना जब वो घर पे होगा, आता ही नहीं है घर पे। यादव जी हमें आप सबके फोन नंबर्स चाहिए, और एक बार आपका बेटा घर लौट आए तो पुलिस स्टेशन भेज दीजिएगा। ठीक है साहब। सर लगता है फैमिली अभी तक लौटी नहीं है। वैसे ही लगता है। यादव जी ताला तोड़ो, फॉरेंसिक टीम को बुलाइए। सर अब समझ में आया कि ये घर फैमिली के बाहर जाने की वजह से नहीं बल्कि इस क्राइम की वजह से बंद था। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर सामान गायब है। सर सर खाली पड़ा सर, यहां भी कुछ नहीं है। लगता बहुत जल्दबाजी में भागे हैं। यादव जी अगर ये ब्लड रमा के ब्लड ग्रुप से मैच होता है तो शायद बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। और सर इनकी गाड़ी भी तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं कि सबके सब अपनी ही गाड़ी लेके भागे हो? हो सकता है, गाड़ी का नंबर मिला है ना सर, उसकी डिटेल सर्कुलेट कराओ। ये लोग भागने नहीं चाहिए, और इनकी कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन भी निकलवाओ सर। यादव जी। जी सर। ये सिन्हा फैमिली की कार का कुछ पता चला? नहीं सर, हमने सारे टोल नाका और चेक नाका पर उस गाड़ी की डिटेल्स भेज दी है, लेकिन हमें नहीं लगता सिन्हा फैमिली ने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया हुआ। अगर किया होता तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिन्हा फैमिली कहीं छुप के बैठी हो, वरना कार गई कहाँ? सर
सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। यादव जी सर, ये जो सिन्हा फैमिली के घर पे जो ब्लड मिला है ये तो रमा का ही है। इसका मतलब रमा का पहले घर में खून किया गया और बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए फेंक दिया गया। लेकिन सर खून किया किसने? फैमिली ने? पॉसिबल है, हो सकता है ये ऑनर किलिंग का केस हो, क्योंकि सिन्हा फैमिली को ये रमा और आनंद का रिश्ता पसंद नहीं था। और जब रमा ने आनंद से शादी कर ली और घर वापस आई तो गुस्से में फैमिली ने उसे मार दिया और बाद में बॉडी को फेंक के फरार हो गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये केस ऑनर किलिंग का ही है। अभिजीत सिन्हा को ये रिश्ता पसंद नहीं था, फिर भी रमा ने भागकर शादी कर ली। अपने बाप के गुस्से को अनदेखा करके वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंची लेकिन वापस नहीं लौटी। और अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था सिन्हा फैमिली और उनकी कार का मिलना। सर अगर ये केस ऑनर किलिंग का होता तो माँ बाप जिंदा होने चाहिए थे, लेकिन उन दोनों का भी मर्डर हो गया और घर के अंदर हमें रमा का ब्लड मिला, मतलब माँ बाप को कहीं और ले जाके मारा गया होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ बाप को कौन मार सकता है और क्यों? देखो किसने मारा ये तो कन्फर्म नहीं बोल सकते, पर वो रमा का पति जो आनंद है उसके पास भी मोटिव है। उसका कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन वो जब भी घर वापस आएगा या फोन स्विच ऑन करेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सर ये अभिजीत सिन्हा का बेटा शिवम सिन्हा वो भी तो गायब है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों मर्डर्स उसी ने किया हो और गाड़ी लेके फरार हो गया हो। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है सर? यादव जी अगर एक बार को मान भी लें कि शिवम ने पैसे और गहनों के लिए अपने माँ बाप को मारा तो उनके कपड़े लेकर क्यों जाएगा? और वैसे भी अपने परिवार का वो इकलौता वारिस है, पैसों के लिए मर्डर क्यों करेगा? सर सिन्हा फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स। क्या है कॉल रिकॉर्ड्स में यादव जी? सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक अभिजीत और रत्ना का मोबाइल 11 जून की शाम 7 बजे स्विच ऑफ हुआ था घर के बगल में, जबकि शिवम का फोन 12 तारीख को सुबह 7 बजे स्विच ऑफ हुआ और रमा का फोन सुबह 8 बजे, मतलब एक घंटे बाद। सुबह 8 बजे यानी रमा जब अपनी माँ से मिलने आई थी तब। मतलब अभिजीत और रत्ना का मर्डर 11 तारीख की रात को हुआ और रमा का मर्डर हुआ 12 तारीख को अगले दिन सुबह 8 बजे। शायद बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा क्या आता है, देखते हैं। ये सिन्हा फैमिली की डिटेल्स पता की थी ना, शिवम की क्या डिटेल्स है? कुछ खास नहीं सर, क्योंकि शिवम बहुत ही रिजर्व टाइप का आदमी है, उसके फ्रेंड्स दोस्त यार वगैरह है नहीं कोई। अब दोस्त के नाम पे एक ही है, अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा बुलाइए उसे, दोस्त है कुछ तो राज पता होगा ही। सर शिवम का कभी उसके पापा से बना ही नहीं, अंकल सोचते थे वो उनका बिजनेस देखेगा, पर शिवम का मन मुंबई जाकर सेटल होने का था और जैसे हमने उसको बताया कि हम मुंबई जा रहे हैं तो वो तुरंत अपना प्लानिंग बना लिया मुंबई जाने का। तो अब वो कहाँ है, मुंबई में? नहीं मुंबई तो वो कल हमारे साथ जाने वाला था, दो दिन से उसका फोन मिला रहा है लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा। अब पता नहीं वो जाएगा कि नहीं, कहाँ है वो, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम तो कल मुंबई निकल जाएंगे, अब वो अपना देखे। अपना ये मुंबई का टिकट कैंसिल करा लो। मतलब? मतलब जब तक शिवम नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और जैसे वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तुरंत हमें बताओगे। जी सर। ये मुंबई जाने वाले सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, हो सकता है शिवम की कार कहीं दिखे। सर शिवम का फोन अभी माजी में एक्टिवेट हुआ है। जिस आदमी को हम मुंबई तक ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ माजी में बैठकर हमें बेवकूफ बना रहा है। यादव जी सर इस शिवम की लोकेशन ट्रेस करो और इससे पहले कि ये दोबारा हमारे हाथ से निकले उठा कर लाइए उसे। सर लोकेशन तो ये दिखा रहा है। आगे? जी सर मैं फॉलो करता रहूँ। सर लोकेशन के हिसाब से तो यही जगह है। बोल लगो। सर इस घर से नहीं आया। शिवम कहाँ है? शिवम कौन शिवम साहब हमको नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। फोन लगाओ। घंटी की आवाज़ आ रही है अंदर से, फोन तुम्हारा है, लेके आओ फोन। बात सुनिए साहब, वो सब ये फोन है। ये फोन किसका है बताओ, किसका है? थाने में लेके चलूं? नहीं नहीं सर ये फोन
हमारा नहीं, पड़ा हुआ मिला था। कहाँ? जय माता दी। बैटरी खत्म हो गई तो मोबाइल बंद पड़ गया और हम भी चार्ज नहीं किए, कि सब जब दो तीन दिन हो गए तो हम मोबाइल चार्ज किए। आज ही अमन किया था साहब कि आप सब माफ़ी दे दो, साहब गलती हो गई। ठीक है ठीक है, ये फ़ोन कहाँ मिला था तुम्हें? वो बजाज रोड नंबर 3 पे सर। बजाज रोड नंबर 3, ये अभिजीत सिन्हा का घर वही है ना? जी सर। चलो दिखाओ कहाँ मिला था मोबाइल। यहाँ पे था साहब, वो एक गाड़ी खड़ा हुआ था उसके नीचे टायर के पास। स्टिकर उसी गाड़ी पे लगा हुआ था? नहीं नहीं साहब, यहाँ पे दो गाड़ी खड़ा हुआ था, एक यहाँ और एक वहाँ पे, वो सलेटी कलर का। साहब माता रानी का फोटो देख के हम सोचे थे कि मोबाइल नहीं लेते, अभी लालच आ गया। साहब हम सच कह रहे हैं, इसके सिवा हमें कुछ नहीं पता है, साहब माफ़ी दे दो हमको। सर ये दूसरी गाड़ी किसकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवम के साथ इन मर्डर्स में कोई और भी इन्वॉल्व है और दूसरी गाड़ी उसी की थी? हाँ हो सकता है, क्योंकि गोपाल को जब शिवम का फ़ोन मिला था तो वो ऑन था, इसका मतलब शिवम ने खुद वो फ़ोन ऑफ नहीं किया था, गलती से उससे कहीं गिर गया था। यादव जी चल, इस शिवम का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। तुम उधर देखो। लाश को बाहर निकालो। हेलो, आदम जी बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हुई है उसे देखकर लगता है कि इसकी मौत 6-7 दिन पहले ही हो चुकी है। बॉडी पर कोई घाव का निशान भी नहीं है, मतलब किसी अलग तरीके से मारा गया है। खैर जो भी है, रीजन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ ही जाएगा। सर गाड़ी के अंदर सूटकेस और बैग मिला है जिसमें सिर्फ कपड़े हैं, पैसे और जेवर नहीं है। इसका मतलब शिवम कल्प्रिट नहीं, विक्टिम है। आप सर, यहाँ एक लोकल गुंडा है राजा सिंह, जिसके सर पर नेताजी का हाथ है। अभी हम दो दिन पहले सुने थे कि वो ठेके पर बकैदी कर रहा था, कि उससे दुश्मनी करोगे तो सिन्हा परिवार की तरह गायब हो जाओगे। इस राजा के साथ सिन्हा फैमिली की क्या दुश्मनी थी? उसकी एक बहन है इला, जिसका कुछ प्यार व्यार चल रहा था शिवम से। ठीक है सर, लगता है सिन्हा फैमिली का मर्डर मिल गया। इस बार तो गठबंधन पार्टी लेकर रहेगी। राजा कहाँ है? पता नहीं साहब, सर्च करो। सर सर ऊपर आइए। कौन है आप? समय इला, राजा की बहन। तो बताइए राजा कहाँ? सर मुझे नहीं मालूम। भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसे बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे। मतलब? वो चाहता था कि हम अपनी जिंदगी उसके तरीके से जिए। शिवम सिन्हा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ मैं। जब ये बात उसे पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जबरदस्ती मेरा बच्चा गिरवा दिया, इतने से भी नहीं माना वो। और अच्छा अच्छा तुम हो। अरे कौन है? अरे अरे क्यों मार रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नमस्ते आंटी जी, राजा यादव। अरे 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 कोई है? जो हाथ का लौंडा होकर राजा यादव की बहन से इसक लड़ाने का कोशिश करता है, है? बेटा अभी तो सिर्फ कूटे जा रहे हो, अगर उससे दूर ना हुए ना तो जान से मार देंगे, समझ गए? ए, क्या हो रहा है? कौन हो तुम और हमरे बेटे को काहे मार रहे हो? बेटा ये तुम्हारा बेटा है। हाँ।
फिर तो तुमको सजा देना बनता है। अरे 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 हम क्या है? हम पुलिस को बुलाएंगे। हम छोड़ दो। शर्म नहीं आता तुमको ऐसा नालायक बेटा पैदा करते हुए? फिर मैं शिवम से मिली। हमने मुंबई जाने का प्लान बनाया। मैं 20 तारीख को शिवम को मुंबई में मिलने वाली थी। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। अगर आप मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे तो मेरा भाई मुझे कभी यहाँ से निकलने नहीं देगा। प्लीज सर, सर मुझे शिवम से मिलना है। सॉरी, आप शिवम से अब कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है। क्या? संगीता, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, बस एक आखिरी बात बताओ, तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई राजा शिवम को मार सकता है? यादव जी सर, स्टेट बॉर्डर सील करो। राजा भागना नहीं चाहिए। सारे खबरियों को एक्टिवेट करो। 24 घंटे के अंदर अंदर राजा मुझे लॉकअप में चाहिए। जी सर। सर, मुझे लगता है आपका शक सही था। शिवम की मौत भी 11 जून को रात 8 से 10 बजे के बीच हुई थी, गला घोटने की वजह से। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और ना ही स्टीयरिंग व्हील में मिले। लेकिन हाँ, गाड़ी के सीट और डिकी में जो ब्लड स्टेन मिले हैं उसके साथ अभिजीत, रत्ना और रमा के ब्लड ग्रुप मैच हुए हैं। यादव जी, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने सिन्हा फैमिली की बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए उन्हीं की कार का इस्तेमाल किया और उस पे से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। लेकिन उसने एक गलती कर दी, उनकी कार से उसने ब्लड स्टेन नहीं हटाए। उसने अभिजीत, रत्ना और रमा तीनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन शिवम का फोन स्विच ऑफ नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसका फोन कब और कहां गिरा, जो कि बाद में गोपाल को मिला। हो सकता है सर। पर यादव जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कातिल ने 11 तारीख की रात को अभिजीत, रत्ना और शिवम तीनों का खून कर दिया, लेकिन रमा को उसने 12 तारीख की सुबह यानी कि 12 घंटे के बाद मारा। इसका मतलब है कि कातिल लगातार सिन्हा फैमिली के घर में बना हुआ था। कौन हो सकता है वो? राजा, क्योंकि पॉलिटिशियन का हाथ सर पे होने की वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, या फिर आनंद, वो भी तो गायब है। राजा जी, इन दोनों का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। ये केस ऑनर किलिंग से लेकर शिवम के स्वार्थी होने से होता हुआ अब एक बदले की भावना का लगने लगा था, जिसमें राजा का मोटिव तो क्लियर था, पर आनंद जो इतने समय से गायब था उसका मोटिव हमें समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो रमा से शादी करने के लिए इतना बेचैन था तो उसका मर्डर क्यों करेगा? हम लोग इसी उधेड़बुन में थे तभी इस केस में एक नया किरदार और नया एंगल सामने आया। अब ये कौन है? सर, ये साहब हम प्रकाश कुमार, सिन्हा परिवार के एकमात्र रिश्तेदार बचे हैं साहब। वो कैसे? साहब, रत्ना सिन्हा हमारी बुआ थी। अच्छा। हमारे पिताजी की इकलौती बहन। सब बहुत साल पहले पिताजी का देहांत हो गया, फिर 3 साल पहले अम्मा भी गुजर गई, फिर बुआ हमको फ़ोन करके बोली कि यहीं आ जाओ, फूफा जी के काम धंधे में हाथ बटाना। तो पिछले 3 साल से हम यहीं हैं साहब, और फूफा जी के खानदान में भी कोई है नहीं, तो हम ही हुए एकमात्र रिश्तेदार। ठीक है, मान लिया तुम उनके रिश्तेदार हो, पर ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हो? साहब, थोड़ा धैर्य से सुने तो, उसी पे आ रहे हैं, बैठ जाएं। बैठो। धन्यवाद साहब। साहब, कहा है कि 2 साल पहले ना फूफा जी 2 दुकान लिए थे, तो एक दुकान उनसे हम ले लिए किराए पे अपना धंधा शुरू करने के लिए, और एक दुकान अपने दोस्त संजीव को किराए पे चढ़वा दिए। आपको शक सुबह है तो आप जांच कर सकते हैं साहब। अरे ठीक है, लेकिन साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? सर, हम बुआ के परिवार के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपका एनओसी चाहते हैं साहब, ताकि पूरा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो सके। अब हम ही तो हैं अकलौते वारिस। तुम्हारे जुबानी खर्च के अलावा तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है कि तुम ही हो अकेले वारिस? क्या बात कर रहे हैं साहब, पूरा माजी गवाह है, सब जानते हैं कि हम उनके भतीजे हैं, सब देखे हमको फूफा जी के साथ, और साहब ये बात तो उनके यहाँ जो काम करता है ना पप्पू, वो भी जानता है कि हम उनके एकमात्र रिश्तेदार हैं। काहे का रिश्तेदार साहब? आदमी गया नहीं कि उसके पीछे हजारों रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं। साहब, गलती उनका नहीं है, गलती हमारा ही है जो हम यहाँ देर से पहुंचे हैं। मतलब? ये देखिए साहब, प्रकाश का है का नहीं हमें नहीं पता है, हमें तो ये पता है कि हम हैं असली वारिस। भगवान हमको एकदम नालायक औलाद दिया है, जिसको हमारा ये बिजनेस पसंद ना है। अब बिटिया हो, साला मिश्रा के लौंडे के चक्कर पे फंस गई,
भैया सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोले। जी भैया। तू यदा हमारा बहुत वफादार है रे, तू कागज और पेन लेकर जा। अरे जा। रख, लिख। मैं अभिजीत सिन्हा अपने पूरे होशो हवास में ये लिख रहा हूँ कि मेरी सारी दुकान मकान सबका मालिक पप्पू है। भैया ये हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब, सेठ जी खुद ही लिखा पढ़ी करके गए हैं, इसके हिसाब से जायदाद के हम ही मालिक हुए और सेठ जी के जाने के बाद हमारे पास एक ही सहारा बचा है, उस पर भी प्रकाश नजर गड़ा के बैठा है साहब। सेठ जी भले आदमी थे साहब, प्रकाश ने दुकान किराए पे दिलाया था। प्रकाश तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हें तो पता ही होगा कि वो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है कि वो उनका अकेला वारिस है, सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलनी चाहिए। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहना है इस बारे में? हेलो, हाँ ठीक है, तुम नज़र रखो हम पहुँचते हैं। सर राजा का पता चल गया। क्या हुआ साहब? राजा है? कोई नहीं साहब, यहाँ पे कोई गलत खबर दी है आपको, चलो चेक करो। साहब आप नहीं जा सकते, साहब 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 आप नहीं जा सकते। अरे क्या हुआ बे, क्या इतना हल्ला मचा रहे हो? साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा है। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो भाग क्यों रहा था? अरे वो इला के चक्कर में हम शिवम और उसके परिवार वालों को धमकाए थे कि वो इला से दूर रहे, और फिर जब सिन्हा परिवार गायब हो गया तो हम भी ऐसे झूठ में हेकड़ी झाड़ दिया कि सब हमने किया है। देखिए दरवाजी, जब आपको लाश मिला ना, हम डर गए कि बेकार में हम धरे जाएंगे, बस इसीलिए भाग रहे थे। हम कैसे मान लें कि तुम सिर्फ हेकड़ी झाड़ रहे थे, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया? अरे 11 तारीख को तो हम मांझी में थे ही नहीं, नेताजी का जन्मदिन था 3 दिन के बाद, पोस्टर बनवाने के लिए पटना गए थे, 12 तारीख को देर रात लौटे हैं। यादव जी। जी सर। इस राजा की एलिबाई चेक करो, इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और उसकी फोन की लोकेशंस भी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे कुछ बात करना था। बोलिए। वो हमारा बेटा है ना आनंद, वो वापस आ गया है, तो आपसे भेंट करवाना था उसका। आनंद यहाँ बताओ सर। नमस्ते साहब। सर हमारा नाम आनंद मिश्रा है, हम रमा के पति हैं, और चूंकि सर हमारे बाद इस परिवार में और कोई बचा नहीं है, तो कानूनन हमारे ससुर के सारी संपत्ति पर हमारा हक बनता है। आप तो जानते हैं सर, कानून के हिसाब से जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो सब कुछ पति का ना हो जाता है, और पत्नी के इस मायके में कोई है नहीं सर, तो अगर इसको इसका हक मिल जाता सर तो बस। हाँ, बीवी मरी तो गायब हो गए और आज अचानक प्रॉपर्टी का क्लेम करने आ गए, कहाँ गायब थे अब तक और अपना फोन स्विच ऑफ क्यों किया था? सर रमा के गुजर जाने के बाद हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे और ना ही किसी से बात करना चाहते थे, इसीलिए हमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और बिना किसी को कुछ बताए हम पटना चले गए थे अपने दोस्त के पास। एकदम ऐसे ही बोल रहा है सर, एकदम ऐसे ही बोल रहा है। अब सर इसको इसका हक मिल जाता तो हम... आप लोगों के अलावा दो और हैं जो अभिजीत सिन्हा की प्रॉपर्टी पे अपना हक जता रहे हैं, प्रकाश और पप्पू, और आप हैं तीसरे। कान खोल के सुन लीजिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, और रही बात हक की तो पहले साबित कीजिए कि शादी हुई भी है या नहीं, वो भी मैरिज सर्टिफिकेट के साथ। जाइए सबूत लेकर आइए, जाइए। नमस्कार। चलो बेटा हक की बात करने आ गए। यादव जी, इससे पहले कि मर्डर केस से ज्यादा प्रॉपर्टी क्लेम का केस बने, हमें इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। पता लगा रोज एक वारिस हमारा दिमाग खराब करने आ रहा है। देखो ना क्या जमाना आ गया है, जब पूरा परिवार मरा तो कोई कंधा देने वाला नहीं था, और अब देखो रोज एक नया आदमी हिस्सा मांगने आ रहा है, घोर कलयुग है। सर
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के हिसाब से पप्पू के लेटर पे अभिजीत की ही साइन है। सर, कॉल लोकेशन के मुताबिक राजा 11 जून की सुबह से लेकर 12 जून रात के 11 बजे तक पटना में ही था। सर, जिस तरह के काम राजा करता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें गुमराह करने के लिए अपने फोन को किसी दूसरे लोकेशन पे छोड़ दे। यादव जी, मुझे नहीं लगता कि राजा को यह सब करने की जरूरत है। समझा नहीं सर? समझाता हूं। ये देखो, ये राजा अगर शिवम को मारता तो तभी मारता जब इसकी बहन इला प्रेग्नेंट थी। अगर मान भी ले कि राजा ने शिवम को मारा है तो इसके माँ बाप को क्यों मारेगा? और वैसे भी हमने पटना में उसकी अलीबाई चेक किए ना, 11 से 12 जून के बीच वो पटना में ही था। नहीं नहीं, ये राजा तो कातिल नहीं हो सकता। बच गए ना, चुपचाप निकल ले। सिन्हा साहब की प्रॉपर्टी पे सिर्फ हमारे बिटुआ का हक है, क्या समझे? खुशी खुशी मान जाओ, नहीं तो और भी तरीके आते हैं हमको, समझ गए ना? चला रहे। देखो अनुज, मेरा केस की वजह से वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम ये उल्टी बात कर रहे हो। अगर मैंने कहा है इंटरव्यू के लिए जाना है तो मतलब जाना है, जाओ। तुम्हारे इंटरव्यू की पूरी रिपोर्ट लूंगा मैं, समझे तुम? हाँ, रखो अब। सर, संजीव झा ने कल रात को सुसाइड कर लिया है। क्या? हटिए साइड, हटिए, लो हटिए प्लीज, हटिए। आइए सर। यादव सर, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था साहब, हम इनके घर में दूध पहुंचाते हैं, 3 महीने का उधार था साहब, सोचा इस बार पैसा लेकर ही लौटेंगे। बहुत देर से दरवाजा खटखटाए रहे पर दरवाजा नहीं खुला साहब। तब हमने खिड़की से झांक कर देखा साहब, तो हमने इनको लटका हुआ देखा। हमने मकान मालिक को फोन किया और बाद में आपको भी कॉल किया साहब। एम्बुलेंस को कॉल करो सर। सर, शराब पी रखी थी इसने, दिखाओ। शायद शराब के नशे में इसने आत्महत्या कर ली है, ऐसा ही लगता है। इन सबको फॉरेंसिक के लिए भेजो। यादव जी सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। संजीव अरे तुमको क्या कर लिया संजीव ये संजीव तुम्हारा दोस्त था ना, कुछ अंदाजा है उसने सुसाइड क्यों किया? काम धंधा नहीं चल रहा था साहब, बहुत दुखी रहता था। हमसे जितना बन पड़ा साहब हम किए, सब दुखी तो था ही, दारू का डर लगा लिया। अब साहब एक ही दोस्त था साहब, देखे खुद का जान ले लिया दारू के नशे में, वो भी चल रही का किया सर जी। आपको क्या लगता है सर, सच में सुसाइड किया है या बात कुछ और ही है? यादव जी, इस प्रकाश कुमार और संजीव झा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर, सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव की मौत रात 10 से 11 बजे के बीच हुई थी, दम घुटने की वजह से, ना कि फांसी लगाने की वजह से। और संजीव के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मरने से 12 घंटे पहले तक उसने प्रकाश को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 15 कॉल्स किए हैं। और मरने से 1 घंटे पहले भी उसने प्रकाश को ही आखिरी बार कॉल किया था, और मर्डर के वक्त प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन संजीव के घर की है। यादव जी, ये देखिए, सिर्फ प्रकाश के मोबाइल की लोकेशन नहीं, ये आनंद के मोबाइल की लोकेशन भी मर्डर के वक्त संजीव के घर के पास ही बता रहा है। हो ना हो, खूनी इन दोनों में से एक है। लेकिन सर, संजीव को मारने का मोटिव क्या निकलता है फिर? मोटिव भी ये दोनों ही बताएंगे, उठा के लाओ दोनों को। सर, हम सच बोल रहे हैं, हम तो संजीव के घर के पास गए भी नहीं थे। अगर झूठ बोलेगा तो और मार खाएगा, मार से बचना है तो सच बोल। बोल, सच बोल। सर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये पापा हमको सिखा पढ़ा करके भेज रहे थे। उन्होंने कहा था कि संजीव को जाके बोले कि वो दुकान खाली कर दे, और जब सर ये बात हम बोल कर निकले तब तक वो जिंदा था। और सर, उसके बाद हम पप्पू के पास चले गए कि वो प्रॉपर्टी पे क्लेम ना करे। सर, आप यकीन मानिए, ये सब पापा हमसे जबरदस्ती करवा रहे थे, हमको कुछ नहीं चाहिए सर।
हम तो सिर्फ रमा से प्यार करते थे और वो हमें अब कभी नहीं मिलेगी सर, हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे। इसकी हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता है किसी का खून कर सकता है, और रमा का तो बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं ये प्रकाश क्या बोलता है। वैसे प्रकाश के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की थी, मुझे याद नहीं आ रही क्या थी वो। सर अब अच्छे से याद कीजिए, अब तक हम प्रकाश से सिर्फ दो ही बार मिले हैं। पहली बार जब वो पुलिस स्टेशन आया था डेथ सर्टिफिकेट के लिए हमसे NOC लेने, और दूसरी बार जब संजीव ने सुसाइड किया था हम उसके घर से निकल ही रहे थे और वो वहाँ पहुँचा था। याद आया यादव जी, जब हम प्रकाश से मिलके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो मैंने नोटिस किया। सर गोपाल जिसने शिवम का मोबाइल उठाया था और जिसने स्टिकर और ग्रे कलर के गाड़ी के बारे में हमें कहा था जो मर्डर के दिन अभिजीत सिन्हा की गाड़ी के साथ पार्क की हुई थी। यादव जी इस प्रकाश की गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेजो, अब देखते हैं कौन सी कहानी सुनाता है। काहे फंसा रहे हैं साहब, हमारे दोस्त का मर्डर का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। काहे आप लोग को पैसा वैसा चाहिए क्या? तुम्हें फंसाने की जरूरत नहीं हमें, तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है हमारे पास। ये रही तुम्हारे फोन कॉल्स की और तुम्हारी फोन लोकेशन की पूरी डिटेल्स। संजीव को मारने से पहले तुमने उससे फोन पे बात की थी ना, फिर अपनी दुकान से उसके घर गए थे ना, वहां आधा घंटा रुके थे और उसके बाद 8:15 बजे तुम अपने घर गए थे। बोलो आधा घंटा क्या कर रहे थे वहां? साहब इसमें कौन सा बड़ा बात है साहब, संजीव दोस्त है हमारा, दुखी था, उसका काम धंधा बंद है, सांत्वना देने गए थे और साहब एक आधा घंटा बाद वापस भी तो आ गए थे। हाँ कहानी अच्छी है, अब ये भी बता दो तुम्हारे गाड़ी के पीछे जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो किसके हैं? अरे साहब वो तो मुर्गे का खून है साहब, दोस्तों के साथ पार्टी किए थे, 20 किलो मुर्गा कटवाए थे, वही गाड़ी में लेके गए थे साहब। वो मुर्गे का खून नहीं, वो इंसानों का खून है, अभिजीत सिन्हा और रत्ना सिन्हा के ब्लड से मैच करता है वो। सच सच बोलो वरना यादव जी को बोलेंगे तुम्हारी ऐसी रेल बनाएंगे कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। यादव जी बोल। रत्ना बुआ का प्रॉपर्टी हमको मिल रहा था साहब, तो इस संजीव दुकान छोड़ने को तैयार नहीं था, ऊपर से साहब किराया देने के लिए भी मना कर दिया था, बोलता था कि तुमको तो सब फोकट में मिल रहा है तो काहे दुकान का रेट लगाए हुए। साहब दोस्तों के साथ चिरकुट जैसा बात कर रहा था तो हमको भी गुस्सा आ गया, तो हम उसके घर पे गए और ऐसा दिखाए कि जैसे हम उसका बात मान लिए। हमको मालूम था कि तुम हमारी परेशानी जरूर समझोगे। आई लव यू। नहीं ये तो हमें समझ में आ गया कि तूने प्रॉपर्टी के लिए मारा, लेकिन सिन्हा फैमिली को मारा कैसे? तो बार बार बोल रहे थे कि किराया भरो, नहीं तो चलते बनो। अब साहब अपने सगे भतीजे के साथ ऐसा कुछ करता है क्या? दुकान खाली करो का धमकी सुन सुन के ना उपटा गए थे एकदम, तो हम सोचे कि मार डालेंगे। तो फिर हम फूफा जी को फोन किए और कहे कि किराया देने के लिए हम घर पे आ रहे हैं। देखो हमको 6 महीने का पूरा किराया चाहिए, कौनो बहाना नहीं। चिंता मत कीजिए फूफा जी, आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। पापा क्या हुआ? बाबू सबका लाश गाड़ी में डाल के ठिकाने लगाने का प्लान बनाए थे, सबका फोन लिया स्विच ऑफ किया, लेकिन साहब हमको शिवम का फोन नहीं मिला तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम घर चले गए। फिर सोचे कि अगले दिन उन्हीं की गाड़ी से उन्हीं लोगों का लाश ठिकाने लगाएंगे। अगले दिन उनके घर पहुंचे, उनके गाड़ी की चाबी ढूंढ ही रहे थे, तभी साहब अम्मा आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और अम्मा पापा कहाँ हैं? वो लोग बाहर की साइड है क्या? सर अब परिवार में कोई बचा नहीं था तो हमको लगा कि सब हमको ही मिलेगा। अब प्रॉपर्टी पे हक तो तुम्हें मिलने से रहा, हाँ जिस सजा के तुम हकदार हो वो जरूर तुम्हें मिलेगी। जैसे अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही पर मिलता है, उसी तरह जुर्म की और पाप की सजा भी तय है। ये केस शुरू हुआ था एक लड़की के कत्ल से जो शुरू शुरू में ऑनर किलिंग जैसा लग रहा था, शिवम का एंगल सामने आया तो प्रॉपर्टी के स्वार्थ जैसा लगा, राजा का एंगल जब सामने आया तो बदले की भावना से किया गया लगा, और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला एक स्वार्थी रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही लोगों के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। इस केस में 1-2 नहीं पूरे 4 बेगुनाह लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर ये जरूर समझ में आया कि जुर्म ने दस्तक दी थी। पहली दस्तक तब मिली जब प्रकाश ने अपने रंग बदलने शुरू किए, और दूसरी दस्तक थी
संजीव की एंट्री। जब प्रकाश अपने ही जैसे एक मक्कार को ले आया, सच्चाई ये है कि बुरी संगत में कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। इसलिए मेरा मानना है, जब भी बुरी संगत में पड़ो सतर्क हो जाओ, वरना ये जुर्म की दस्तक हो सकती है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।